शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन। अरे हाफ क्यों रहे कल्लू? हाफ कौन रहा है? अरे मालूम है आज बाजार में क्या हुआ? क्या हुआ? मुख्तार सिंह का नाम सुना है तुमने? नहीं सुना। अरे फिर क्या सुना है तुमने? मुख्तार सिंह वो आदमी है जिसके नाम से पुलिस भी डरती है और पब्लिक भी। बाजार से एक बार गुजर जाए तो ऐसा लगता है कि शहर में कर्फ्यू लग गया है, बाजार खाली हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं। फिर क्या उसकी मौत आई थी जो हमसे उड़ा? अरे अरे आ गया सर, आ गया सर। फिर क्या हुआ कल्लू? भाभी भाभी वो चाचू तुम्हारा दोस्त चला गया, अब बाहर आ जाओ। चला नहीं गया, भाग गया है साले, डरता है हमसे। तुमसे तो सारी दुनिया डरती है, पर तुम आलू लेने गए थे। हाँ वो तो मैं भूल गया भाभी, बस यूं समझो यूं गया और यूं आया। मुन्नी कैसी है? क्या अरे चाची क्या बात है, यहाँ तो मेला लगा हुआ है। अरे तुम्हें नहीं मालूम रामदीन के घर बच्चा होने वाला है? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहे हैं, शायद हमारी जरूरत पड़ जाए। तुम्हारी जरूरत अंदर नहीं बाहर है, हो सके तो रामदीन की मदद करो। भैया रामदीन क्या बात? अरे घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारा तो ये पहला बच्चा है ना, यहाँ देखो 10 बच्चे पैदा कर चुके हैं। 10 बच्चे तुमने? हाँ और क्या, अरे दूल्हा नहीं बने तो क्या हुआ, दूल्हों का हाथ पकड़ के ऐसे मौकों पर हम ही तो बैठे हैं। ए घबराने की कोई बात नहीं, बेटा होगा बेटा। हाँ सुनो, मुख्तार सिंह का नाम सुने? नहीं। लो फिर क्या सुने हो दुनिया में? अरे मुख्तार सिंह वो आदमी है जिसके नाम से शहर की पुलिस तो क्या पब्लिक भी कांपती है, शहर से निकल जाए तो ऐसा लगता है कि शहर बाप के यहाँ बेटा हुआ है क्या? नहीं नहीं, मेरे बाप के घर, वो बाप के घर में नहीं हुआ, रामदीन है ना, रामदीन के घर में बेटा हुआ है। साले चला जा यहाँ से, नहीं तो टुकड़े करके फेंक दूंगा। यार कल्लू ले आए आलू? कहाँ भाभी, गए थे आलू लेने, नारायण ने कचालू बनाकर भेज दिए। ये देखो। हाय भगवान, नारायण ने तुझे मारा? क्यों मारा ये भी तो सुनो, रामदीन के घर बेटा हुआ, उसकी खुशखबरी सुनाने लगा तो उसने लेकर के रापट मार दिया, बताओ ये भी कोई बात है? तू फिक्र मत कर, तेरे बड़े भैया आएंगे तो मैं उनसे नारायण की बात करूंगी। मैं नारायण की सारी बातें सुन चुका हूँ, सारा कसूर इसी का है, सर छत को छूने लगा, रकल घुटनों के ऊपर नहीं गई। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की, क्या जरूरत थी मोहल्ले का अखबार बनने की? अरे नारायण ने तो एक थप्पड़ मारा, मैं तुम्हारा मुंह इधर से उधर कर देता, बदतमीज। तुम भी इसी को डांट रहे हो?
डांटू नहीं तो और क्या करूं, इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। काम धाम कुछ करते नहीं हजरत, बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ गोलियां खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं, और जब कुछ वक्त बच जाता है तो नमक के ढेले उठा लाते हैं लोगों के जख्मों पर रगड़ने के लिए। नारायण बेचारे के घर 15 साल से कोई बच्चा नहीं हुआ है और यह वहां पहुंच गया ढोल बजाने के लिए। कल्लू, आज तो मैंने शिकायत सुन ली है लेकिन दोबारा नहीं सुनूंगा। क्या कह रहा हूं मैं? चाचू, तुमने वही किया ना जो दूसरे करते हैं। गुस्सा तुम्हें है अपने मालिकों पे, निकाला है अपने भाई पे। तुम्हारी फैक्ट्री में स्ट्राइक है, वो भी इसी का कसूर है। घर में महीने भर के बजाय हफ्ते का भी राशन नहीं आया, वो भी इसी का कसूर है। तुम्हारे गुस्से और अपने दुख में वो कहीं चला गया तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। अरे कहीं नहीं जाएगा वो अपने भाई को छोड़ के जा सकता है मगर अपनी भाभी को छोड़ के नहीं जा सकता। आ जाएगा, आ जाएगा। मिल मजदूर, हमारी मांगे, हमारी मांगे। मिल मजदूर, मिल मजदूर, हमारी मांगे। औरत खराब नहीं, मजदूर धाम है। मिल मजदूर, मिल मजदूर, औरत खराब नहीं, मजदूर धाम है। बोनस खैरात नहीं, मजदूर का हक है। मैं खुद भी यही मानता हूं, मैं इस मिल का नया मालिक हूं और तुम्हारे सब हक मानने को तैयार हूं। तुम लोगों का लीडर कौन है जिससे मैं बात कर सकता हूं? शामू, बढ़ो। आप लोग 1 महीने का बोनस मांग रहे हैं, मैं 2 महीने का देने के लिए तैयार हूं। शर्त सिर्फ इतनी है कि काम इसी वक्त शुरू होना चाहिए। लेकिन हमारी एक मांग ऐसी है जो शायद आपने नहीं पढ़ी। कौन सी मांग? आपने जो कारखाना खरीदा है उसकी तमाम मशीनें या तो पुरानी हो चुकी हैं या उनमें जंग लग चुका है। किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है, किसी मजदूर की जान जा सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि उन मशीनों की जगह नई मशीनें लगाई जाएं। नई मशीनें लगाने के लिए वक्त चाहिए और वक्त है नहीं मेरे पास। अगर अमीर के वक्त की कीमत होती है तो मजदूर की भी जान की कीमत होती है साहब। जब तक आपकी फैक्ट्री में नई मशीनें नहीं लगेंगी, आपकी फैक्ट्री में काम नहीं शुरू होगा। ठीक है, मैं मजदूरों से पूछता हूं, आप लोगों को क्या चाहिए? आपके लीडर को हड़ताल चाहिए? मैं मिल का मालिक हूं, मुझे काम चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या चाहिए? भूख या पैसा, हड़ताल या बोनस? तो फैसला हो गया, जिन लोगों को बोनस चाहिए वो अंदर जाए और जिन लोगों को हड़ताल चाहिए वो बाहर रुके। अब्दुल चाचा, ये मशीनें बदलने की मांग तो आपने की थी और आप ही? मैं भूला कुछ नहीं, सिर्फ अपने बच्चे याद आ गए। मैं अपनी जान पे खतरा लेना तो मंजूर कर सकता हूं लेकिन बच्चों की भूख नहीं, बच्चों की भूख नहीं। जमाना सचमुच बदल गया। पहले नेता आगे चलता था और जनता पीछे, और अब जनता आगे चलती है, नेता पीछे।